मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद जनता से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और लोकतंत्र के इस बड़े केंद्र विधानमंडल के इस कार्रवाई में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष, विधानसभा ने कल दलीय नेताओं की बैठक यहां पर ली है और उसमें भी मैंने सभी दलीय नेताओं से इस बात के लिए अपील किया है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। यहां से हम जो भी कार्य करते हैं, संदेश देते हैं, वह देश के अंदर अपना एक नया उसका मैसेज होता है। सरकार जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें इस प्रकार के किसी भी सकारात्मक पहल का हम स्वागत करेंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी लोग मिलकर के विधानमंडल की इस कार्रवाई को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने, सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। कोरोना महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयास इस महामारी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कार्य हुए हैं इन पर भी चर्चा हो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 7 करोड़ टेस्ट पूरा कर चुका होगा और 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने वाला भी पहला राज्य यूपी होगा। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य, कोरोना प्रबंधन से लेकर के कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन आदि को लेकर के किए गए प्रयासों पर अगर हमारे सभी मित्रगण सहयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो अफवाह फैलाने वाले तत्व हैं वे बेनकाब होंगे और सुरक्षा कवच के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन उपलब्ध कराया है, मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, इस वैक्सीन का लाभ भी सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर विधानमंडल की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करूँगा और विश्वास करूंगा कि वे अपने अनुभव का और अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ प्रदेश की 24 करोड़ जनता को उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।